लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को कौन नहीं जानता और एक्ट्रेस का फिल्मों का सफर आज भी जारी है। वहीदा रहमान ने हिंदी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी। इसमें प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहब बेबी और गुलाम, खामोशी जैसी फिल्में शामिल हैं। अब वहीदा रहमान को सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया है। वहीदा अपने दौर की लीडिंग एक्ट्रेस रही है। 5 दशक के करियर में उन्होंने अपने किरदारों को परफेक्शन के साथ निभाया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। पद्मश्री, पद्म भूषण से भी वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। रहमान ने भारतीय नारी के समर्पण, कमिटमेंट और ताकत का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो कड़ी मेहनत की बदौलत अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंस को अचीव कर सकती हैं। आपको बता दें, वहीदा रहमान एक्ट्रेस होने के साथ साथ शानदार डांसर भी हैं। उन्होंने 5 दशक के करियर में 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और तमिल फिल्म से एक्ट्रेस ने बतौर डांसर अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, लेकिन उनकी तेलुगु फिल्म पहले रिलीज हुई। फिल्म मेकर गुरुदत्त संग वहीदा की जोड़ी सुपरहिट रही। दोनों ने रोमांटिक ड्रामा प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहेब बेबी और गुलाम में स्क्रीन शेयर किया था। पर्दे पर रोमांस करना हो या कॉमेडी, हर रोल को वहीदा ने इतनी शिद्दत से निभाया कि फैंस आज भी उनके आइकॉनिक रोल्स की मिसाल देते हैं। वहीदा रहमान अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करना पसंद नहीं करती। 1974 में शशि रेखी, जिनको कमलजीत के नाम से भी जाना जाता था, उनसे उनकी शादी हुई थी। दोनों ने फिल्म शगुन में साथ काम किया था। इस शादी में उनके 2 बच्चे हुए। दोनों ही बच्चे राइटर हैं। 21 नवंबर 2000 को वहीदा के पति का निधन हो गया था। द नगरी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।